उल्लू का तत्सम क्या होगा, आज का तत्सम क्या होगा, कल का तत्सम क्या होगा, तो इन सब को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। दोस्तों, हिंदी सुपरफास्ट सीरीज में तत्सम और तद्भव जो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं, इसको आप पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय भारत, एक बार फिर से एम विद रोहित चौहान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सुपरफास्ट हिंदी की सीरीज में तत्सम और तद्भव के बारे में जानेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इसको आप शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा जी। इसमें दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, यूपी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी में ये तत्सम और तत्सम आता ही है। तो एक एक दो दो नंबर फाइट होती है फ्रेंड्स, तो इसको आप अवश्य और पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, और एक चीज और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो अवश्य बनता है जो हमें मोटिवेट करता है। तो एक चीज़ और कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, हमारे डिस्क्रिप्शन पर यूपी टेट, सी टेट, मैथ की ट्रिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लीज़ उनको आप अवश्य और पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी बनी है। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एम विद रोहित चौहान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज तत्सम और तद्भव के बारे में जानेंगे जो पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो वीडियो जो है, ये ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस में अभी जो भर्ती होने वाली है उसको ध्यान में रखते बनाई हुई है। उनका बहुत जल्दी भी पेपर होने वाला है, तो देखिएगा इस चीज़ को, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को और बढ़ते हैं। सुपर फास्ट सीरीज है और फटाफट वीडियो खत्म होगा। देखिए, उद्गम के आधार पर शब्द के पांच भेद माने जाते हैं। तो सबसे पहला होगा आपका तत्सम, तद्भव, उसके बाद है आपका देशज, देशज शब्द है, विदेशी है, और संकर शब्द है ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक। तो आज हम तत्सम और तद्भव बारे में जानेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी क्या है, देशज, विदेशी और संकर शब्द के बारे में भी बहुत जल्दी ये कमी शून्य वीडियो आने वाली है। तो उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, कमेंट अवश्य करें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, तत्सम क्या होता है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखो, तत्सम शब्द जो होता है, संस्कृत भाषा के दो शब्द तत् और ये सम से मिलकर बने हैं। तत् मतलब होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। तो अंत में कह सकते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों, जो शब्द संस्कृत वाले होते हैं उनको हिंदी भाषा में इंक्लूड किया जाए, उनमें विस्तार किया जाए, उसको हम तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, कर्पूर, ठीक है। तो ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं वो तत्सम शब्द के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो क्या है, संस्कृत शब्द से हूबहू लिए जाएं। फिर से बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत शब्द से बिल्कुल सेम टू सेम, उसके समान, उसके जैसा होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम तद्भव के ऊपर चलते हैं। तद्भव क्या होता है, आइए जरा समझते हैं, फिर इनके उदाहरण हैं, ढेर सारे उदाहरण हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तद्भव क्या होता है, तत् और भव, उससे उत्पन्न होना। अभी किसी से तो उत्पन्न हुआ होगा, तो ये वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन करके हिंदी शब्दावली में आ गए,
कुछ चेंज हुआ होगा, कुछ परिवर्तन हुआ होगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। आइए फ्रेंड्स कुछ उदाहरण पेश करता हूँ, जो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, तो एक तरफ आपके वो तत्सम होंगे तो एक तरफ आपके तद्भव होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, अकार्य। अकार्य शब्द जो है ये हमारा तत्सम है, तो ये हमारा तत्भव है, ठीक है। अज्ञान, ये अजान कहते हैं। अट्टालिका, ये अटारी है ना, अटारी, अट्टालिका। अट्टालिका जो है ये हमारा संस्कृत शब्द है, ये तत्सम, ये तत्भव, ये तत्भव है, ठीक है। अनार्य, अनाड़ी। अंगुष्टिका, अंगूठी है ना, जो अंगूठी पहनते हैं, तो संस्कृत में से क्या बोलेगा, अंगुष्टिका, अंगू, अंगुष्टिका, ठीक है। अक्षवाट, ये अखाड़ा होता है, ठीक है, जहाँ पे हम अखाड़े करते हैं, ठीक है। उसके बाद है अष्टविशंति, है ना, 28 को कहते हैं अष्ट, मतलब आठ, विसंति मतलब 20, 20 और 8 को हम 28 कहते हैं। अर्ची, आँच कहते हैं। आत्र, अंतड़ी कहते हैं। अक्षर, अक्षर व आखर भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे, क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञानी, अनजाना। अमूल्य, अमोल, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये आप लाइन आप देख रहे हैं, ये आपकी है तत्सम, तो ये है हमारी तत्भव, क्लियर फ्रेंड्स। देखिए ध्यान से देखिएगा प्लीज फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अंधकार, ये संस्कृत शब्द है अंधकार, दूसरा है अंधेरा, जो कि एक तत्भव है। अमावस्या संस्कृत शब्द है, अमावस तत्भव है। अग्रवर्ती, अंगाड़ी, आगे बढ़ने वाला। अंगुष्ठ, ये हमारा संस्कृत शब्द है, और दूसरा कौन सा है, अंगूठा, ये तत्भव है, ठीक है। अमा अवश्याय, ये ओस को कहते हैं, ओस का जो संस्कृत शब्द होता है, एक मिनट फ्रेंड्स देखिए इधर, ये आपका संस्कृत शब्द है अवश्याय, और ये है हमारा तत्भव, जो हिंदी वाला शब्द है, इसे हम ओस कहते हैं, ठीक। अक्षी, अक्ष, ये आँख से रिलेटेड है, ठीक, ये आँख तो है, ये क्या है, तत्भव है, तो ये तत्सम है। देखिए फ्रेंड्स मेरा काम है जगाना, तो जागते रहिएगा, बने रहिएगा एम विद रोहित चौहान चैनल के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। आखिल, ये आखा कहते हैं। आदित्यवार, ये इतवार को कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स है ना, ऐसे ही टॉपिक आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम में हो जाते हैं, तो उसके लिए इलाज यही है कि बार बार देखिए, इतनी बार देखिए तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप के नैया पार हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आमलक, ये आखेट को कहते हैं, ठीक। असाड़, देखिए ये शब्द देखिए यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये नई नई चीज़ें बताने में खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये असाड़ जो शब्द है, ये है आपका तत्सम है, तो ये हमारा तत्भव है। फिर से बता दूं फ्रेंड्स, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से शब्द आए होते हैं, बिल्कुल हूबहू होते हैं, उनके समान होते हैं, उनके जैसे होते हैं, और जो तत्भव शब्द वो होते हैं जो उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, कुछ चेंज कर दिया जाए, कुछ इससे उत्पन्न हुए हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तत्भव बोलेंगे। आश्चर्य है ना, ये शब्द जो है ये संस्कृत वाला है, तो ये हमारा हिंदी वाला है अचरज, ठीक है। हमें अचरज हो गया, एक बोलता है आश्चर्य हो गया, तो आश्चर्य बोल दिया तो संस्कृत शब्द हो जाएगा, अचरज है जो वो हमारा वो तत्भव कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धशिका, ये आरसी को कहते हैं। आगे बढ़े फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, अष्टादश है ना, 18, अभी मैंने बोला था अष्टविशंति है ना, अष्ट मतलब होता है 8, विसंति मतलब होता है 20, 20 और 8 बोलेंगे 28 हो जाएगा, ठीक। अष्टादश होता है 8, 10 मतलब होता है 10 और 8 कितना हो गया, ये 18 हो गया। ये अदय, ये आज को कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स
ऐसी चीज़ें आती हैं पेपरों में जो आपको नहीं आती हैं, यही पेपरों की खासियत होती है। इसलिए उसको जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य और पूरा देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अक्षय तृतीया है ना, ये आखा तीज कहते हैं, देखे है ना, अक्षय तृतीया एक त्यौहार होता है। तो अक्षय तृतीया जो शब्द जो है वो हमारा कैसा है, तत्सम है, और दूसरा जो है वो तत्भव है। अम्बलिका है ना, इमली का ये तत्सम शब्द है। ये देखिए ये तत्सम है तो ये हमारा तत्भव है ये, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, इसे कहते हैं अम्बलिका, ये इमली का उदाहरण है ये, ठीक है। इमली शब्द जो है ये तत्भव है, तो दूसरा हमारा कौन सा है, तत्सम है, ये हमारा तत्सम है तो ये हमारा तत्भव है। फ्रेंड्स ऐसी ही चीज़ें आती हैं, तो इसको आप पूरा और अवश्य देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हिंदी में अक्सर क्या है, एक या दो नंबर के लिए बच्चे फाइट करते हैं, बच्चे एक एक दो दो नंबर से जाते हैं, 0.5 से जाते हैं। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, पूरा पूरा देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको लर्न हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो आपको हर एक वीडियो में बार बार कहता हूँ कि भाई मेरा काम है जगाना, जो जागता रहा वो पा लेगा ये, जो सोता रहेगा तो रोता रहेगा वो, उसके लिए कभी कुछ नहीं हो सकता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आमचूर्ण, ये आमचूर कहते हैं ये, आलस्य ये संस्कृत वाला शब्द है, ये आलस ये हिंदी वाला शब्द है ये, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, तो ये हमारा तत्भव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आखेट, अहेर कहते हैं, इयत ये संस्कृत शब्द है, इतना ये आपका तत्भव वाला शब्द है ये, ठीक। ईंधन ये देखिए है ना मजेदार चीज ये, तो ये हमारा ईंधन है ये, ठीक है। उल्लुक ये उल्लू का, देखिए देखिए फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये है उल्लू का, ये है ना उल्लू का क्या है, ये हमारा तत्सम है तो ये हमारा तत्भव है ये। उल्लू हम लोग अक्सर बोलते हैं है ना, उल्लुक नहीं जानते हैं, ये संस्कृत शब्द है उल्लुक, ठीक है। ये देखिए ऊसर, उसर कंकड़, ये देखिए कंकड़ आगे बन गया ये, तो ये हमारा क्या है, हिंदी में हमसे कंगन बोलते हैं, जो लेडीज लोग महिलाएं लोग पहनती हैं कंगन है ना, जो संस्कृत शब्द क्या कहते हैं उसे कंकड़ कहते हैं, ण शब्द का हमने यूज कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ें। कटु, कटु मतलब होता है कड़वा है ना, कहते भैया कटु वचन ना बोलो, कड़वे वचन ना बोलो। कटु शब्द जो है वो संस्कृत का है, कड़वा जो है ये हमारा तत्भव है ये, ठीक है। फिर बात करते हैं कुपुत्र, ये संस्कृत वाला है, कुपुत जो है वो ये हिंदी वाला है, इसे तत्भव कहते हैं। कल्य, कल देखिए ऐसी चीजें आती हैं, ये पूछ लेगा कि बताओ कल का वो तत्सम क्या है, कल का तत्भव क्या है, वही चीज क्या है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं, तो इसको आप अवश्य पूरा देखिएगा, ठीक है। मेरा काम तो भी जगाना है, जो जाग गया सो पा गया, सो गया तो खो गया। चलिए कज्जल, ये काजल का शब्द है ये है ना, काजल जो हम हिंदी भाषा में कहते हैं, संस्कृत भाषा में इसे हम कज्जल कहते हैं, है ना मजेदार, मजा तो आना ही चाहिए है ना। ये देखिए ऐसा को क्या बोलते हैं भाई, एस्ट बोलते हैं ये, ठीक। उद्घाटन है ना, उद्घाटन शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है, देखिए किसी को उद्घाटन का, हिंदी में इसे हम उघाड़ना कहते हैं, बताओ कोई को उघाड़ना कोई बोलेगा ये, पर ऐसे शब्द होते हैं जो इन्हीं का क्या है, इन्होंने इसमें परिवर्तन कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बनता है उपालंब, ये उल्हाना कहते हैं, ठीक। ककंती, ये कंघी को कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये तो पेपरों में कई बार आया हुआ है ये है ना, कि भैया ककंती का वो तद्भव बताओ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं है ना। तो ऐसी चीजें क्या है, एक बार बार देखिएगा ये, जिससे आपका कल्याण हो। आज की न्यू जनरेशन क्या है, वो पबजी और फ्री फायर की दीवानी होती है, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं ये, तो आप लोगों से विनम्र विनती है अपना करियर और नसीब बनाइए, अच्छी चीजें देखिए। चलिए करकट मतलब कपड़ा है ना, कपड़े का दूसरा नाम जो होता है वो करपट होता है, जो संस्कृत शब्द से जुड़े हुए हैं,
ठीक। उसके बाद है कल्लोल, ये कल्लोल शब्द बना हुआ है। कथानिका, ये कहानी कहते हैं, देखिए कथानिका जो कहानी का है, ये आपका तत्सम है, तो ये हमारा वो तद्भव है ये, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बनता है कपाट, कपाट जो है ये आपका दरवाजे का बना हुआ है, किवाड़ है ना, ये देखिए ये तत्सम है, ये तत्भव है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को ये, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे, चलिए केतक केवड़ा, करकट केकड़ा, कमफोड़ी कोहनी, देखो कोहनी को कमफोड़ी कहते हैं, कफोड़ी कहते हैं ये, है ना। ऐसे शब्द जो बार बार आए गए हैं, इसको आप अब देखिए फ्रेंड्स, तो ये घृणी, इसे घृणी कहते हैं, घटका ये घड़ी कहते हैं, घृषण घिसना कहते हैं, चर्मकार इसे चमार कहते हैं ये, है ना। चर्मकार, चर्मकार क्या है, ये हमारा संस्कृत शब्द है ये, है ना, तो हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, चमार, है ना। चक्रवाक इसे चकवा कहते हैं ये, चस्टुक इसे चौक कहते हैं, है ना, चौक चस्टुक। और बढ़ते हैं आगे, ये देखिए चिक्कड़ इसे चिकना कहते हैं ये, है ना, कहते तो भाई चिकना है ना, तो इसे चिक्कड़ बोलते हैं ये, ठीक। नेक्स्ट बनता है चष्टकोर, चाकोर चौकोर, है ना, चतुर्विश, चतुर्विश चौबीस, चतुर मतलब चतु मतलब होते चार, विश मतलब होते बीस, बीस और चार जोड़ोगे क्या होने का ये, चौबीस। कहते हैं जाड्य जाड़ा, चर्म चाम, चटका चटिका चिड़िया, है ना, चिड़िया को क्या बोलेंगे, चटिका। चटिका शब्द जो है वो संस्कृत से आया हुआ है, तो हमने इसको क्या है, मॉडिफाई कर दिया, हमने इसको चिड़िया बना दिया यहाँ पे, है ना। चलिए चंद्रिका चांदनी, है ना, चांदनी का दूसरा नाम चंद्रिका। फिर कहते हैं चतुष्पथ, है ना, ये चौराहा को कहते हैं, चतु मतलब चार, पष्ट मतलब चौराहा मतलब पथ, चार रास्ते उसे चौराहा कहते हैं। चित्रक चीता, है ना, चीता का संस्कृत शब्द कौन सा होता है, तत्सम क्या होता है, चित्रक होता है ये, ठीक है। ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी जो ना आपने कभी सुनी होंगी और ना ही कभी देखी होंगी, तो इसलिए क्या है, वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, तभी इस चीज़ को आपको समझ में आएगा। ये वीडियो को स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए जय महाकाल, देखिए चतुर्दश ये चौदह को कहते हैं, छाया छा को कहते हैं, ये देखिए जमाता, जमाता को, जमाता जो शब्द है ये संस्कृत में कहलाते हैं, जबकि हिंदी में से क्या बोलेंगे, जमाई, है ना, जमाई राजा आ गए यहाँ पे, है ना, है ना, जवाई आ गए, ठीक है, जमाई भी कहते हैं तो जवाई भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीवा इसे जीव को कहते हैं ये, है ना, हमारी जीव बहुत कड़वा बोलती है तो मीठे भी बोलती है, है ना। तिक्ता इसे तीता कहते हैं, त्वरित ये तुरंत कहते हैं, कह रहे त्वरित करो, तुरंत करो, ठीक। फिर बनता है तड़ाग, ये तालाब को कहते हैं ये, दुर्लभ दूल्हा, है ना, दूल्हा हमेशा दुर्लभ ही होता है ये। फिर बनता है दीप सलाका, अरे बाप रे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, तो इसको आप पूरा देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैंने बताया था मैं इस चीज़ को क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन छांट के लेके आता हूँ बिल्कुल ये, ताकि आपका कल्याण हो सके, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं इसको वीडियो को बार बार कहता हूँ और फिर से कहता हूँ, ठीक, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी बनी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दुविट इसे दुपट्टा कहते हैं, दुपट्टा का संस्कृत शब्द कौन सा होता है, तत्सम क्या होता है, दुविट होता है, ठीक है। ये SSC रेलवे बैंक यूपीटेट सुपरटेट सबके लिए वीडियो बिल्कुल रामबाण आई है, और बहुत स्पेशल स्पेशल वीडियो है बिल्कुल ये, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं द्विवेदी, इसे क्या है, दुबे वाले कहते हैं ये, ठीक है। झरण इसे झरना कहते हैं, ताम्र तांबा कहते हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ताम्र तांबा होता है, तरकन
ताकना होता है ना, अगर किसी को ताकते हैं उसे हम तर्कन कहते हैं ये, ठीक है। दधी, इसे दही का ही उच्चारण होता है, ये दही, ये हमारा वो तद्भव है, तो हमारा वो तत्सम है ये, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं दंत दावन, इसे दातुन का कहते हैं ये, है ना, हिंदी में कहते हैं दातुन कर लो, दातुन कर लो, तो जो संस्कृत में शब्द होता है इसे दंत धावन कहते हैं ये, ठीक। दंत, दांत, धावन, वो जो करते हैं उसमें ये, ठीक। आगे पूरे बात कर लेते हैं, दृष्टि, इसे डीथी भी कहते हैं, ठीक। दुग्ध, देखो सही उच्चारण जो होता है संस्कृत में इसे दुग्ध कहते हैं ये, है ना, ट्रकों में ज्यादातर ये दुग्ध लिखते हैं, दूध कभी नहीं लिखते वहां पे, दुग्ध ही लिखते हैं ये, ठीक। तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये बढ़िया वीडियो है, इसको आप अवश्य और पूरा देखिएगा। देखिए दुख कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे ये देखिए, ध्यान से देखिए, देखो इसे उसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको ये, ठीक। तो ये जो होता है ना, ये हमारा क्या है, तत्सम है, तो ये हमारा तत्भव है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से इसको आप देखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैंगे, दंश, इसे डंक कहते हैं, है ना, डंक मार दिया, दंश मार दिया, तो दंश और डंक तो मारने के लिए ही होते हैं ये, है ना, तो दंश जो होता है ये संस्कृत वाला शब्द है, तो ये डंक जो है वो हिंदी वाला शब्द है, ये तत्सम तत्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए दक्षिण को क्या कहते हैं, देखिए दक्षिण शब्द जो होता है ये संस्कृत वाला शब्द है, फिर दूसरा कौन सा है, दाहिना, धूली, धुरी, नासिका, नाक, नवनीत, लोनी, है ना, नवनीत मेरा दोस्त का नाम है, कहते हैं नारिकेल, नारियल। देखिए फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मज़ेदार चीज़ें हैं, ऐसी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इसको आप अवश्य और पूरा देखिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, हिंदी एक ऐसा विषय है जो हर एक परीक्षाओं में और सब में आता है, और तत्सम और तद्भव जो है एक एक दो दो नंबर की फाइट होती है इसमें ये, तो फाइट लड़िए और विजय होंगे। निम्बे, इसको नीम को कहते हैं ये, पर्यक, ये पलंग को कहते हैं, देखिए ऐसी ही चीज़ें आती हैं जो आपको नहीं आती हैं, है ना, पेपरों में वही चीज़ आती है जो आपको नहीं आती, तो उसको जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, और भी कई ऐसे तत्सम तत्सम आने वाले हैं जो इसको अब देख के आप चौंक जाएंगे, ठीक है। तो जो पलंग का जो तत्सम होता है उसे पर्यक कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते फ्रेंड्स, देखिए इधर दहा, इसे डहा कहते हैं, है ना, दहा दिया, डहा कर दिया। धरित्री, ये धरती का बना हुआ है, देखिए तत्सम तत्भव। चलिए आगे बढ़े, नक्षत्र, ये नखत होता है ये, है ना, नक्षत्र, नखत, नपित, नाई, है ना, ये हमारा क्या है, तत्सम है, तो ये हमारा तत्भव है ना, नापित कहते हैं उसे, ये तत्सम तत्भव। नना दंपति, ये नंदोई को कहते हैं ये, है ना, नंदोई। फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप पूरा और अवश्य ज़रूर देखिएगा। निंद्रा, नींद को कहते हैं, ये तो पता ही होगा। नकुल, नेवला, ये तो पेपरों में पिछली बार आया था जहाँ तक मुझे याद है, सुपर टेट में ये पूछा गया था। तो ये जो वीडियो संस्करण जो है बहुत स्पेशल, हमने शब्दों को इसको लिया हुआ है ये, तो इसको आप अवश्य और पूरा जरूर देखिएगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पंक्ति, पंगत, है ना, कहते हैं पंगत में बैठ जाओ भाई, पंक्ति में आ जाओ, तो पंक्ति जो शब्द जो है ये संस्कृत वाला है, और पंगत जो है वो हमारा हिंदी वाला शब्द है ये। पूर्णिमा, है ना, पूर्णिमा शब्द जो है ये संस्कृत वाला है, और हिंदी में कहते हैं पूनम, ठीक है। परीक्षा, इसको परख भी कहते हैं, परीक्षा शब्द जो है वो तत्सम है, परख जो है ये तत्भव है ये। पिपासा, ये प्यास को कहा गया है ये, देखिए फ्रेंड्स ये है ना इंपॉर्टेंट।
तो ऐसी ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो आपने कभी देखी नहीं होगी और ना ही कभी आपने सुनी होगी। ठीक है, तो बहुत स्पेशल और बढ़िया वीडियो है, इसको आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ तो इस चीज़ को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ये पुस्तिका, इसे पोथी भी कहते हैं, ये है ना पोथी, पोथी जो हिंदी शब्द है, ये पुस्तिका जो एक संस्कृत शब्द है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ, इसे पीठ भी कहते हैं ये। ठीक, ये देखिए प्रणयशालिक, ये पंसारी कहते हैं। पुष्कर, इसे पोखर भी कहते हैं, है ना, पुष्कर मेला जो राजस्थान में लगता है, बहुत प्रमुख और बहुत ही फेमस मेला है, इसमें ऊँटों का मेला बहुत बड़ा लगता है। ठीक, पुष्कर पोखर। पौत्र, पोता कहते हैं, पौत्र शब्द जो है ये संस्कृत वाला है, तो ये हमारा जो हिंदी वाला है। तत्सम और तत्भव। पश्चाताप, पछतावा, है ना, ये पांचवा कहते हैं ये। ठीक, पारद, पारा कहते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।